गुड मॉर्निंग माई डियर फैमिली, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मॉर्निंग एंड आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट योर डे ऑन अ पॉजिटिव नोट. तो आप उठने के बाद में कोशिश करिए कि आप कुछ अच्छा म्यूज़िक सुने या फिर किसी फ्रेंड को कॉल करें या फिर कुछ ऐसा करें जो करके आपको अच्छा लगता है, ठीक है. ऑल्सो अपने इंटेंशंस ज़रूर डिवाइन को बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ से, आज के दिन से, ओवरऑल यू नो. और या और मेडिटेशन करेंगे तो बहुत ही अच्छा है. लाइक इवन इफ इट्स फॉर 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट के लिए भी आप करते हैं तो ट्रस्ट मी 10 मिनट के लिए कर लीजिए. बस आंखें बंद करके बैठे हैं तो आपको बेटर फील होगा, आपके वाइब्रेशंस रेज होंगे. बिकॉज यू नो वाइब्रेशंस जितने आपके बेटर होंगे उतनी जल्दी आप चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे. इसीलिए वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. Someday I'll make video about law of attraction and manifestation. But for now we are starting with Virgos and we will end. We will go towards Scorpio. Okay. So Virgos, let's go. Okay. Virgos. कोई आपका ऐसा रिलेशनशिप है लाइफ में जहाँ पे अभी चीज़ें पूरे तरीके से रिवील नहीं हुई हैं, तो यहाँ पे मैसेज है कि किसी भी पर्सन को बहुत ही जल्दी जज मत करिए. ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मैंने आपको एक दो दिन पहले और बोला था कि किसी को भी पहले से ही किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया आपके लाइफ में रिलेशन आ रहा है. ये हो सकता है आपकी जॉब से या फाइनेंसेस से रिलेटेड हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, बट यहाँ पे ऐसा है कि कोई पर्सन आपको काफ़ी आपके क्लोज आ रहा है, धीरे धीरे एक बॉन्डिंग बन रही है, बट अभी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के बारे में छुपी हुई हैं या फिर जो रियल फेस इनका है ये आपको नहीं पता है. तो किसी नए इंसान पे आज आपको ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना. और मिसलेड नहीं होना है किसी की बातों में आके, मतलब मैनिपुलेट नहीं होना है. तो अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब किसी पे ऐसे आँख बंद करके आज भरोसा नहीं करना है वर्कर्स, ठीक है. वी ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी, तो आज कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में आ सकती है और मुझे लग रहा है कि ये आपके शायद प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, बट ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही सटल वे में आपकी लाइफ में आएगी. क्योंकि ये डेली रीडिंग में कार्ड निकला है तो मैं इतना बोलूँगी कि आसपास थोड़ा ध्यान रखिए कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है बट आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है वर्गोस. तो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, आई विल सी यू टुमॉरो, बाय. मूविंग ऑन टू टॉरस. टॉरस, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हार्ड टाइम से आप गुजर रहे हैं और कुछ अगर आपकी लाइफ में हुआ है, यहाँ पे बहुत ही सिंक में आए हैं कार्ड कि कुछ अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आपने महसूस किया है कि आप अकेले रह गए हो या फिर आप अकेले सारे स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आपको सपोर्ट कोई लाइफ में नहीं कर रहा है, अगर आपने वो फेस देखा है तो अभी ज़रूरी है कि उसको आप हील करें. मतलब वो ये जो कियोस हुए हैं या फिर अगर कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं तो उससे हील करना है, उससे ब्रेक लेना है, उसे रिलीज़ करना है हमारे दिमाग से, जिससे कि हम अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें या फिर एक नया फेज़ लाइफ का शुरू कर सकें. तो अगर ये कोई छोटी भी चीज़ है, अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर आपको लग रहा है कि लाइफ में आप अकेले रह गए, तो ये चीज़ बस आपको ये बता रही है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है. आप अकेले नहीं हैं, आपको हील करने की ज़रूरत है और अपने पावर को पहचानने की ज़रूरत है. ये बहुत ही कॉमन मैसेजेस हैं जो टैरोट में बार बार आते हैं और ये बार बार आते रहेंगे जब तक आप इसे फिक्स नहीं करेंगे तो, ठीक है. क्योंकि आप मुझे यहाँ पे अकेले लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है और अकेलापन भी फील हो रहा है, पर यहाँ पे बहुत सारे ट्रॉमास हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पा रही है क्योंकि बार बार सेम चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है. We also have truth in reverse. So, इस deck में I don't think कि हम reversals लेते हैं. So, I'll keep it this way.
सो यहाँ पे ट्रुथ है, तो हो सकता है किसी चीज़ की आपको सच्चाई आज पता चले। तो आज आप ध्यान से सुनिएगा आसपास आपके क्या चल रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा चीज़ों को, ठीक है? आई सी यू टुमारो, बाय। मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉन्स, कैप्रिकॉन्स पहले तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आज हो सकता है किसी से, तो थोड़ा सा आपको माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि कुछ सडनली कुछ हो गया है, मतलब सडनली कुछ ब्रेक हो रहा है, या फिर कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्योंकि ये डेली रीडिंग है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ मेजर हो, ये हो सकता है कुछ ऐसे ही आपका छोटा मोटा किसी फ्रेंड से या किसी से झगड़ा हो, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स दिख रहा है, तो इस एनर्जी को आपको एम्बॉडी करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस और पावर में रहना है। अगर कोई आपको आज डिमीन करने की कोशिश करे, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे, तो आप में कितना पावर है वो आप प्लीज़ पहचानिएगा, और किसी को ऐसा करने नहीं देना है आपको, ठीक है? तो आप बहुत, मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ फिर से, आपको पता ही होगा कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत पावर है, आप बहुत यूनिक हैं, और भगवान ने आपको बहुत अलग बनाया है, और वो पावर्स दे के बनाया है, बस वो पावर्स पहचानने की ज़रूरत है। तो आज कोई आपको ऐसे आके परेशान करता है, डिमीन करता है, या फिर मैनिपुलेट करता है, या मिसलीड करता है, तो आपको अपने आप को इस एनर्जी को आपको एम्बॉडी करना है, ठीक है? क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी को। वी ऑल्सो हैव वॉइस, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया शुरू हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आप सच में कहीं ट्रैवल करने के लिए जाएं, ट्रैवलिंग की चांसेस दिख रहे हैं, या फिर ये हो सकता है ये बस स्पिरिचुअल रेल्म में चीज़ें चल रही हों, कि आपके लाइफ में एक नया सफ़र शुरू हो रहा हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, आप अपने कॉन्फिडेंस में रहिए आज, एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय। मूविंग ऑन टू एरीज, एरीज यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, मतलब काफ़ी इमोशनल दिन आपका आज रहने वाला है। हो सकता है कोई आपके पास आके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, या फिर आप किसी को मिस करें, बहुत ज़्यादा मिस करें। तो एक्चुअली इट्स जस्ट द ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस आज मुझे दिख रहा है, क्योंकि साथ में क्वीन ऑफ कप्स भी है, मतलब यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स दिख रही हैं। हो सकता है कि कोई पर्सन है जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपकी लाइफ में, और ये पर्सन बहुत ही इमोशनली आपके लिए फील कर रहा है। अगर ये आप नहीं हैं, तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो बहुत ही इमोशनली और डीपली आपको याद कर रहा है, और आपसे मिलना चाहता है, और इसे बुरा लग रहा है बस कि आप आसपास नहीं हो। क्वाइट अ रीडिंग टुडे। वी ऑल्सो हैव सिक्योरिटी, तो यहाँ पे डू रिमेम्बर योर एंजल्स एंड गाइड्स एंड यूनिवर्स, दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू। तो फियरफुल एनर्जी में नहीं रहना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? हमेशा याद रखना कि कभी भी कुछ गलत नहीं होगा एरीज, ठीक है? हमेशा अच्छा ही होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर दिस एनर्जी, एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय। मूविंग ऑन टू लियोज, लियोज बहुत अमेजिंग कार्ड्स आए हैं आज। तो यहाँ पे कोई है जो ऑफर लेके आ रहा है, ये बहुत सारे लोगों के लिए वो ऑफर हो सकता है जिसका बहुत ही समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, मतलब कोई पर्सन जिसको ऑफर लेके आना है, पर वो बहुत टाइम लगता है उसको, क्योंकि वो बहुत ही सोच समझ के अपना प्रपोजल रखता है किसी के सामने। तो हो सकता है कि किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, और वो अब फाइनली आ जाए। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चाहता है कि आप ऐसे इसके साथ रहें, या फिर एनर्जीज कैन बी इंटरचेंजेबल। तो यहाँ पे ये वाली, ये 10 ऑफ कप्स की फीलिंग्स कोई फील कर रहा है, मतलब चाहता है कि आपके साथ इसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले, और हैप्पी फैमिली यू नो मिल जाए। तो यही एक्सपेक्ट करके कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो ये किसी के थॉट्स में है, क्योंकि ये कप्स है, ये पेंटिकल है, मतलब किसी ने ऑलरेडी आपकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। सो
एक्शन तो ये आपके लिए भी हो सकता है लियोस, कि अगर आप चाहते हैं किसी को कुछ ऑफर करना तो आप वो एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना किसी के लिए, तो फिर शायद एक्शन का कार्ड इसीलिए यहाँ पे आया। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस थिंग लियोज, आई विल सी यू टुमारो, बाय। ओके सैजिटेरियस, सैजिटेरियस यहाँ पे द लवर्स है, किसी से कनेक्शन मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा बॉन्ड दिख रहा है। आपके लाइफ पार्टनर हैं शायद, या फिर आपकी लाइफ में कोई है ये पर्सन जिससे आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है और म्यूचुअल है, बट यहाँ पे कुछ स्नीकीनेस मुझे दिख रही है। हो सकता है कि कोई ये पर्सन आपसे कुछ झूठ बोले या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे फॉर सम रीजंस, और ये डेली रीडिंग है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ मेजर करे, बट हो सकता है कि कुछ चीज़ आपसे छुपा रहे हो फॉर सम रीजंस, ठीक है। अगर रेजोनेट कर रहे हैं तो ही इसे लें, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई बॉन्डिंग है, बट उसमें एक पर्सन है जो कुछ कुछ बातें छुपा रहा है या फिर कुछ चोरी छुपे काम कर रहा है, ठीक है। वी ऑल्सो हैव पेशेंस, तो यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है, पेशेंस रखिए किसी चीज़ के लिए, डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट सेजिटेरियस, बी माइंडफुल टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय। मूविंग ऑन टू जेमिनाइज, जेमिनाइज बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अगर करने की कोशिश कर रहे हो आप, तो आपको थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है। अगर आप अपना फोकस बहुत सारी जगह पे लगाएंगे, और मुझे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कल आपके लिए फोकस्ड रहने के लिए कार्ड आया था, आई डोंट नो, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ही सारी तरफ जा रही है, मतलब आपका जो फोकस है वो बहुत सारी चीज़ों पे, इसके कारण एक भी चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि एक ही डायरेक्शन में आप फोकस करें, खासकर आज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज के लिए रीडिंग है, तो आज आप ध्यान रखिएगा कि आप अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाएं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश ना करें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें और उसके हिसाब से काम करें। और यहाँ पे सेवन ऑफ वांड्स भी दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है जेमिनाइज के यहाँ पे आप बहुत एक तो टायर्ड हो गए हो, और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, बट मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं हुई है, आप अपनी लाइफ को खुद डिफ़िकल्ट बना रहे हो, क्योंकि आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट नहीं कर रहे हो। ओके, वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो चेंजेस के लिए रेडी रहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव चेंजेस हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो, बाय। ओके मूविंग ऑन टू लिब्रास, ओके। तो लिब्रस यहाँ पे किसी चीज़ को लेके अगर आप बहुत टाइम से स्टक थे, या फिर किसी चीज़ की अगर आपको रियलिटी नहीं दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे आप अपसाइड डाउन हैं, तो आप जो चीज़ जैसी है उसको वैसे उस तरीके से नहीं देख रहे थे, ये किसी पर्टिकुलर लाइफ की सिचुएशन के लिए हो सकता है, बट यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स से मतलब कुछ क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। हो सकता है कोई पर्सन है वो आपको कुछ ऐसी बातें बताए जो उसने आपसे छुपाई हो, या फिर आपको खुद ही से चीज़ें अब समझ में आने लग जाए, तो यहाँ पे कोई मेजर क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। और ये क्लैरिटी साथ में ये कोई पर्सन बहुत ही लग रहा है मुझे, कि कोई पर्सन ये क्लैरिटी लेके आएगा, और हो सकता है कि आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाए या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए इस बात पे, तो ये पॉसिबल है। तो आज थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा आप, ठीक है। वी ऑल्सो हैव ब्लेसिंग्स, तो वाओ ये यूनिवर्स की साइड से आपके लिए कार्ड है आज के लिए, सो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय। ओके मूविंग ऑन टू एक्वेरियस, ओके एक्वेरियस आज बहुत ही सेटिस्फाइंग दिन आपका लग रहा है, चीज़ें बनती हुई लग रही हैं, चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं। यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है, और यहाँ पे बहुत ही पीसफुल एनर्जी दिख रही है, सेटिस्फैक्ट्री एनर्जी दिख रही है। नाइन ऑफ कप्स जो कार्ड होता है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, तो यहाँ पे लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड हैं जो ब्लेसिंग्स आपको लाइफ में मिली हैं, और यहाँ पे आप क्वीन ऑफ
पेंटिकल की एनर्जी में दिख रही है, मतलब यहाँ पे भी आप बहुत ही सेटिस्फाइड हैं और आप ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में एक लेवल पे ऑलरेडी आ चुके हो, अब यहाँ से बस आप ऊपर ही ऊपर जाओगे। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं आज की, काफ़ी करियर में भी ग्रोथ दिख रही है क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो क्लेम दिस, ऑल द बेस्ट फॉर दिस। ही ऑल्सो हैव फोकस, तो फोकस रहिए और जिस तरफ जाना है उस तरफ अपना ध्यान उस तरफ रखिए बस, ठीक है? अगर ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ है तो बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा, बस आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी किस तरफ लगाओ, ओके? अपने पूरे दिन में आपको कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, या आई विल सी यू टुमॉरो, बाय। ओके कैंसेरियंस, ओके तो यहाँ पे वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपने पावर में रहना है, पर आप अगर ये दोनों कार्ड में ये दोनों इमेज को देखोगे तो आपको लग रहा है ये दोनों अपने बहुत ज़्यादा पावर में हैं, दोनों कार्ड्स में। तो आपको इस लेवल पे रहना है, आपको ये एनर्जीज एम्बॉडी करनी है कि जहाँ पे आप इतने स्ट्रांग रहोगे बिना किसी के सपोर्ट के भी आप लाइफ में स्टैंड कर सको, बिना किसी सपोर्ट के भी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, और बिना किसी के सपोर्ट के भी आप लाइफ के जो उतार चढ़ाव है उसको आराम से हैंडल कर सको। तो अपने अंदर की, रिगार्डलेस ऑफ आप मेल हैं या फीमेल, अपने अंदर की एनर्जीज, जो फैमिलिन एनर्जीज होती है, जो मैस्कुलिन एनर्जीज होती है, उनको जगाइए थोड़ा और अपनी लाइफ को अपने हाथों में लीजिए, अपने कंट्रोल में लीजिए, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि लाइफ में कुछ चीज़ें आपके ऐसे होती हैं जिसमें जो डिफ़िकल्ट होती हैं आपके लिए हैंडल करना, तो दिस इज़ द टाइम कि जब आप अपने असली पावर को पहचानें, ठीक है? सो या वी हैव गेटवे, तो यहाँ पे गेटवे कार्ड बहुत ही सिंक में आया है। जो भी डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे हैं ना कैंसेरियंस, अगर कुछ कर रहे हैं तो छोटी या बड़ी, तो ये जो डिफ़िकल्टीज हैं आपको प्रिपेयर कर रही हैं किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसी नए लेवल पे ले जाने के लिए। गेटवे है मतलब कोई रास्ता है नया जो खुल रहा है, और जब रास्ता खुल रहा है इसीलिए आपको थोड़ी सी लाइफ में ना टफ एनर्जी की ज़रूरत है कि आप लेवल अप कर सको, है ना? यहाँ पे कुछ नया होते हुए दिख रहा है। सो ऑल द बेस्ट टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, आई हैव स्टार्टेड फंबलिंग, यस। सो या आई विल सी यू टुमॉरो, बाय। ओके मूविंग ऑन टू पाइसीज, ओके पाइसीज, यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके लिए काफ़ी कुछ फील करता है, और या फिर आप हैं जो आप किसी के लिए बहुत ही इमोशनली कुछ फील कर रहे हैं, और आज ऐसा लग रहा है कि आपका किसी से कम्युनिकेशन होने वाला है, किसी से कुछ डिस्कशन होने वाला है इस बारे में। तो मुझे आज यहाँ पे दिख रहा है कि दो लोग हैं जो एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं, और या फिर बस ऐसे ही कॉल पे बताने वाले हैं। हो सकता है कोई किसी पर्सन का आपके पास कॉल आ जाए या किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए और कोई आपको बोले कि कोई आपको मिस कर रहा है। तो यहाँ पे आज आपकी एनर्जी फील्ड में वो कनेक्शन आते हुए दिख रहा है जो जिसको लॉन्गिंग हो रही है आपसे बात करने की, जो चाह रहा है कि वो आपसे बात करे और आपसे मिले, ठीक है? कोई क्रेव कर रहा है इस चीज़ के लिए। सो यू नो इट बेटर ये पर्सन कौन है, ठीक है? वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ प्लेजर, तो ये कुछ प्लीजिंग चीज़ें होते हुए आज दिख रही हैं। सो एन्जॉय टुडे एंड आई विल सी टुमॉरो, बाय। मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियोज, ओके स्कॉर्पियोज, आप यहाँ पे स्टक दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आज आपको कुछ काम करते वक्त ऐसा लगे कि मैं कहीं पे फंस गया हूँ या फिर मैं निकल नहीं सकता हूँ, बट यहाँ पे अगेन एक कार्ड है टू ऑफ वांड्स, जिसमें है कि पावर आपके ही हाथ में है, आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, आप कहीं भी स्टक नहीं हैं, आपने बस मेंटली आप खुद को ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है? तो
और यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियो के, हो सकता है कि आज दिन भर में एक ऐसा टाइम आए जहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना पड़े, तो बी माइंडफुल कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। वी ऑल्सो हैव फंडर्स, यहाँ पे क्लियरली कुछ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है, बट उसके लिए आपको सही रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। मतलब कुछ ब्लेसिंग है बट वो आप सही रास्ते पे जाएंगे तभी वो ब्लेसिंग आपको मिलेगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय।